ट्रैवल और मेमोरीज का ना बहुत गहरा नाता है। इधर फ्लाइट कैंसिल हुई कि नहीं, प्लान बी स्कूटर की तेज रफ्तार जैसे एग्जीक्यूट हो गया। शुरुआत तो लगा कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। That's so cool. इतने सुंदर पहाड़ों के नजारे देखने जो मिले, कभी पानी के बीच वक्त गुजारते, तो कभी छोटे छोटे पलों को एक दूसरे के साथ बांटते। पर स्वागत है आपको मॉम थ्रू लेंस के एक नए किस्से में। वेल, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि वी आर हेडिंग टू माउंटेन्स, बट अनफॉर्चुनेटली कहाँ हम जाने वाले थे, हरिद्वार, ऋषिकेश, और आज वी आर हेडिंग टू मुन्नार थैंक्स टू विस्तारा एयरलाइंस। उनके पायलट्स आपको पता है कि स्ट्राइक पे गए हैं, सो हमारा फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो वी सडनली मेड दिस प्लान, एंड क्योंकि हमारे पास एक ही हफ्ता था छुट्टियों का, फिर उसके बाद समर कैंप स्टार्ट होने वाला है रूही का, तो जो करना था हमें यही वीक करना था। शक्ति ने भी छुट्टी ले लिया था, तो वी थॉट कि वी विल हेड टू मुन्नार, और मुन्नार से एलपी या फिर कुमारकम को कुछ भी कवर करेंगे, और फिर वहाँ से कोयम्बटूर होके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ मुन्नार, एंड इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, वी होप। शुरुआत कुछ ऐसा हुआ, हुसूर होते हुए हम निकल पड़े अपने पहले डेस्टिनेशन दिंडीगुल की तरफ। करीब 8 बजे शुरू किया ये ट्रिप। बिना ब्रेकफास्ट किए घर से निकले थे, तो ब्रेकफास्ट हमने ए टू बी में किया। गर्मी का मौसम है, बाय रोड जा रहे हैं, तो ठंडा और चॉकलेट्स का बंदोबस्त भी करना पड़ा था। बस अब सवारी नॉनस्टॉप चलने वाली है। अंदर का सीन ठंडा ठंडा कूल कूल था। रूही को मूविंग कार में नींद बहुत अच्छी आती है, गाड़ी चली नहीं कि वो सो गई, और हम गर्मी की तापमान, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह के बात छेड़ते हुए चले जा रहे थे। रोडवर्क के कारण हमें बीच रास्ते में हैवी ट्रैफिक भी मिली जो मूविंग थी। करीब 1 बजे तक हम सैलम टच कर लिए। भूख नहीं थी तो सोचा थोड़ा आगे जाके लंच करेंगे, और जब भूख लगी हमें एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिला। नेक्स्ट इमीडिएट टाउन करूर था, तो हम सर्विस रोड लिए, और रास्ते में जो फेमस दिंडीगुल की वेल्लू बिरयानी का होर्डिंग लगी थी, उस रेस्टोरेंट को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। जैसे ही अंदर घुसे, लाजवाब खुशबू थी बिरयानी की। ट्रेडिशनली आज हम केले के पत्ते में खाना खाएंगे। यह रायता नहीं मिलता, पर यहाँ के ऑनियन सैलड जो उन्होंने परोसा वो एकदम ओडिशा की तरह थी। ये सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है अलग अलग जगह ट्रैवल करने का, वहाँ के कल्चर को जानने का। टेबल पे एक गिलास भर के बटर मिल्क और बिरयानी लग गई, और वेज डिशेस इतनी टेस्टी भी नहीं थी। यहाँ से हमारा पहला डेस्टिनेशन 1 घंटे की दूरी में थी, और बाहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। वैसे अगर आपको हॉल्ट करके मुन्नार ट्रिप करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप करूर में रुकें। पार्सन्स कोर्ट, यहाँ लास्ट मोमेंट में हमें यही होटल मिली। चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी करके हम रूम के तरफ बढ़े। जस्ट इमेजिन, बाहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। रूम बहुत ही वेल मेंटेन्ड था, ट्रूली। बाहर का कंडीशन देख के मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट
The room was very clean and well maintained. इस रूम से टाउन के नज़ारे दिखते हैं और बिना टाइम गवाए हम फ्रेशन अप होके सोने चले गए। सात बजे तक नींद खुली, चाय स्नैक्स रूम पे मंगवाया। और टाउन को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। ये जगह एक बिजनेस हब है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस कपड़ों के मोर देन 100 मील्स हैं। और यहाँ बिजनेस मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होता है, ये हमें रिसेप्शन में बैठे मैनेजर से पता चला। हमें जगह की वाइब देखनी थी तो ड्राइव पे निकल पड़े। गाड़ी होने का यही फायदा है, 30 मिनट के अंदर हम वापस भी पहुंच गए। डिनर तो अब कहाँ करें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमें इसी होटल के इन हाउस रेस्टोरेंट में करना ठीक लगा, तो बस खाना खाया एंड रैप्ड अप द डे। गुड मॉर्निंग, तो अभी 7 बज चुके हैं, वी हैव अप एंड ही इज ऑल्सो अप, अभी तक सो रही थी। वी विल बी हेडिंग टू मुन्नार टुडे। हमने हॉल्ट किया था दिंडीगुल में, रूम काफ़ी क्लीन और कंफर्टेबल था तो इसलिए नींद भी अच्छी आई है। सिंस बैक टू बेड, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वी विल हेड टू मुन्नार बाय 9:30। आई डोंट थिंक सो। ओके, तो देखते हैं, मुन्नार देखने के लिए एक्साइटमेंट तो है। यहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस था बाहर, इतनी धूप है यहाँ पे, बट हाँ रूम के अंदर इट वाज वेरी कोजी क्लीन। प्राइवेट वाटरफॉल, इट इज नॉट वाटरफॉल। अगले दिन का एक्साइटमेंट ज़्यादा था। मुन्नार के बारे में मैंने बहुत सुना था, वीडियोस में भी देखा था, मुझे बहुत मन था इस जगह को देखने का। ब्रेकफास्ट करके हम चल पड़े मुन्नार की ओर। सेवेंटी टू किलोमीटर था, सोचे थोड़ा नारियल पानी पी लेते हैं। फिर यहाँ से हमें बहुत अलग अलग नज़ारे और रास्ते देखने मिले, कभी दो लेन वाला हाईवे तो कभी हेयर पिन वाला रोड। मुन्नार टच करने से पहले 50 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत सीनिक है, हम बीच रास्ते रुक रुक के फोटो खींचते और जगह का मजा ले लेके जा रहे थे। जिधर भी देखो नजारे आंखों को भा जाती थी। मेन मार्केट है जहां आपको बहुत रेस्टोरेंट्स और होटल्स मिल जाएंगे, पर हम यहां नहीं रुके थे। इससे आगे जाके थोड़ी इंटीरियर पे हमारा होटल था, ब्लैंकेट होटल एंड स्पा, एक 5-स्टार होटल में हम रुक रहे थे।
काफ़ी वार्म वेलकम हुआ स्नैक्स और ड्रिंक्स के साथ। फिर फॉर्मेलिटीज के बाद वी हेडेड टू आवर रूम। आई एम वेरी हैप्पी इस रूम के व्यू को देख के, क्योंकि यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं टीवी पे भी उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। सीधा ये बड़ा सा फ्रेंच विंडो है, यहाँ पे सीटिंग दिया गया है और आप यहाँ से बैठ के ये नज़ारा देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज आई कैन। इट्स रियली पीसफुल। ये आप जो स्ट्रीमलाइनिंग देख रहे हैं वो एक वाटरफॉल, फेमस वाटरफॉल का ही है, बट अभी समर के कारण ये थोड़ा ड्राई अप हो गया है, बट फिर भी हल्का पानी आता रहता है। बेड से ऐसा नज़ारा है, यू विल वेक अप टू दिस व्यू, इट्स रियली नेचर। इसकी लॉबी एरिया है और ये इनका डाइनिंग स्पेस है। और इस टहर से ऊपर जाओ तो लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी पूल विथ व्यू एंड द रेस्टोरेंट ऑल्सो हैड एन ऑसम वाइब। आज हमारा लंच लेट आफ्टरनून हुआ, यहाँ का फूड भी हमें अच्छा लगा। स्पाइस कम थे क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल क्राउड भी हमें देखने मिला, शायद उस हिसाब से ये लोग अपना खाना बनाते होंगे। पहले से निकल गई है क्योंकि उसे स्विमिंग पूल में जाना था, और ऐसे स्टेज में स्विमिंग पूल और कुछ एक्टिविटीज़ ही है जो आपको इनकेज रखते हैं। ये थोड़ा इंटीरियर है बट वर्थ स्टेइंग है आई वुड से। थोड़ा हल्का बारिश हो जाता तो इसमें चार चांद लग जाती। तो या आई विल हेड टू द रूफटॉप टू हैव माय टी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव सम योगा सेशंस और कुकिंग सेशंस भी है। देखते हैं कैसे जाता है आज का शाम। शाम चाय, स्नैक्स, म्यूजिक, पूल, नज़ारे और अनजान लोगों के बीच कट गया। इवनिंग को रूम्स में फ्रूट प्लेट कम्प्लीमेंट्री था। 7 बजे एक फायर डांस इनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। थोड़ा टहलने बाहर निकले। रात में भी ये प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत लग रही थी।
डिनर भी हमने यहीं पे किया। वाइब यहाँ का काफी अच्छा था। दे ट्राई टू कीप द माहौल हैपनिंग। वेल, अगली सुबह हमारा इस व्यू के साथ शुरू हुआ। कुछ देख तो मैं पौधों को हवा की धुन में नाचते देख बस खोई रह गई। ब्रेकफास्ट करके हम निकले साइट सीइंग करने। आज ही का दिन था तो हम दो फेमस स्पॉट्स देखने वाले थे। जैसे ही थोड़ा और एक्सप्लोर किया पता चला कि एक नेशनल पार्क भी है, पर टाइम नहीं था। वी वेंट टू विटनेस द फेमस मत्तुपट्टी डैम एंड इको पॉइंट। इस जगह को पहुंचने के लिए जो रूट आप लेंगे वो टी प्लांटेशन से भरा पड़ा है। हर जगह इतना सीनिक था कि जहां भी फोटो लो एक क्लास आ रही थी। यही इको पॉइंट है। हम ऊपर रह के ही नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। बोटिंग हमें करनी नहीं थी क्योंकि रूही ने हमें जाने ही नहीं दिया। यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी थोड़ा बहुत है, पर हर चीज़ के लिए टिकट और रेट्स मुझे थोड़े प्राइसी लगे। एनीवेज, आते वक्त मत्तुपट्टी डैम भी दिख गया। समर है तो डैम भी अपने हैसियत से शांत ही थी। आते वक्त मेन मार्केट में ग्रीन लीफ करके एक रेस्टोरेंट में लंच करते हुए हम वापस आए। शाम को हम सब ने अपना स्पेस लिया और बस रिलैक्स किए। दिल, ये जगह छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें, जल्दी का नाम ही जिंदगी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा लास्ट डे है मुनार में और अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे एलपी के लिए। वहाँ हमने बोट हाउस का थोड़ा बहुत पता किया, बट इतना एंड मोमेंट में रिव्यूज़ बहुत मिक्स थे तो वी कुडंट फाइंड एनी सोर्स। तो हम अभी स्टर्लिंग लेक हाउस में जाएंगे, तो वही है। और यहाँ का ट्रीटमेंट तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। दे वी हैड अ वेरी पीसफुल एंड काम एंड नाइस स्टे इन दिस होटल। तो अगर आपको व्यू के साथ और भी मज़ा लेना है इस जगह का, तो आपको मानसून में आना चाहिए, क्योंकि अभी समर में जो फेमस वाटरफॉल है यहाँ का अट्टुकाड वाटरफॉल, वो अभी ड्राई अप हो चुका है, तो वो फील नहीं आ पाया वाटरफॉल का। बट हाँ, व्यू एकदम ए क्लास है। सनराइज दिखता है, मेरे रूम से तो दिख रहा था। आई थिंक ऑल ऑफ द रूम हैव द फेसेस टुवर्ड्स माउंटेन। तो कोई कोई सूट्स हैं जो वाटरफॉल से सीधा व्यू देता है, बट हाँ, समर में आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। वी आर प्लानिंग कि हम फिर से यहाँ पे मॉनसून में एक बार आएँ। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। मुनार का सफ़र तो खूबसूरत था। अगर आपका बजट है तो मैं कहूँगी मॉनसून में इस होटल में आके रुकना ज़रूर। रास्ते में हमें हॉट एयर बैलून देखने मिले। इट वॉज मेस्मराइजिंग। कैमरा ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। एलपी तक जाने का रास्ता ऐसे सिंगल और बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, बट हर जगह की अपनी खूबसूरती है। हमारे लिए ये नया एक्सपीरियंस था, पर जो यहाँ रहते हैं उनके लिए शायद आम सी बात होगी। यहाँ का वेदर मुनार से कम्प्लीटली ऑपोजिट था। यहाँ हमारे स्टर्लिंग लेक हाउस पे बुकिंग हो रखी थी। स्ट्रीट्स में लेक्स, दोनों साइड पानी, नज़ारा तो आप देख ही रहे होंगे। ये प्रॉपर्टी वाइडली स्प्रेड है और गाड़ियाँ अंदर पार्क नहीं होती। अंदर उनका इन हाउस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेने में मदद करता है, और हम उसी के इंतज़ार में खड़े थे और अपनी क्यूरियोसिटी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने की बढ़ी जा रही थी।
वार्म वेलकम हुआ हमारा और हम सीधे पहुंचे रूम में। लगेज रख के हम सीधे कड़ी धूप में चलते हुए पहुंचे रेस्टोरेंट में। धूप, गर्मी, पसीना और ऊपर से गर्म हवा, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। पर सब कुछ नज़ारा देख के माफ हो जाता था। जितना सुना था एलपी के बारे में, ये तो उससे भी खूबसूरत निकली। रूम से जो नज़ारा था, जिंदगी भर के लिए मेरे दिल में घर बना ली है। स्टर्लिंग की तरफ से लेक टूर का बंदोबस्त भी किया गया था, तो कैसे मिस करते। हाई डे के बाद निकल गए हम क्रूज की सवारी लेके एक्चुअल एलपी के बैकवाटर्स की खूबसूरती को देखने। एक ब्लैंक कैनवस और उसमें ही तरह तरह के सुंदर बोट हाउसेस लेके शोभा में चार चांद लगा रही थी। झील के पानी को देख जिंदगी जैसे शांत और सुकून से भर गया लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति की आवाजें कोमल लहरों के साथ मिल गई हो। एक ऐसा शांत स्वर जो हवा में घुल जाता है और सीधा दिल में छाप छोड़ जाता है। रूम पे वापस आके शाम के ढलते सूरज को देख के पता नहीं क्यों ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। 7 बजे ट्रेडिशनल डांस का प्रोग्राम था। एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस और इतने में बिजली भी कड़कने लगी। और हमने बारिश के नजारे का मजा भी यहाँ ले लिया। सुबह लेक बहुत शांत था। नेचर लवर हो तो आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो चुका होगा। आई फेल्ट इट डीपली। अगले दिन हम निकले कोयम्बटूर के लिए। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें लेके एलपी को हमने विदा कर दिया। गर्मी इतनी थी कि ट्रिप एक्सटेंड करने का हमारा मन ही नहीं हुआ। कोयम्बटूर होते हुए बैंगलोर वापस जाने का प्लान बना। ईशा फाउंडेशन देखने का मन तो था पर टाइम से पहुंच नहीं पाए। यहां रेडिशन की बुकिंग हो रखी थी और अगले दिन घर रवाना होने की खुशी भी झलक रही थी। सुबह ब्रेकफास्ट यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री था तो हम ब्रेकफास्ट करने निकल गए। ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ था पर अब और मन नहीं था खाने का। घर वापस जाने की खुशी अलग ही होती है। आज हमारे लिए कुछ वेट कर रहा था इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। वी मेट विथ एन एक्सीडेंट। बाहुबली ने बचा लिया पर खुद रिपेयर होने चली गई। अनएक्सपेक्टेड था। बहुत हिम्मत जुटा के मैंने ये व्लॉग एडिट की है। उस सिचुएशन से निकलने के लिए वक्त तो लगा। आज का व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया।
मिलते हैं बहुत जल्दी. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. बाय बाय.